Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today is Friday. फ्राइडे की शाम को हमारे घर में देखिए क्या हो रहा है। जोमेटो से आए हैं डिलीवरी बॉय और यहाँ पे सुमन जी ले रहे हैं डिलीवरी। और खाने में क्या हमने ऑर्डर किया था देखिए, ये है हमारा एशियन चिल्ली चिकन। यम्मी वाली डिनर पे बैठे हैं हम लोग अभी। जोमेटो से जो चिल्ली चिकन आया है, चिल्ली चिकन माय फेवरेट, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जनरली हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, हर दिन बहुत ही क्या होता है इसको, इनोवेटिव, बहुत ही स्पाइसी, मसालेदार, अच्छी सी, अच्छे स्वाद की, और हमेशा तली हुई चीज़ें नहीं, कभी कभी हेल्दी चीज़ें भी स्नैक्स में हम लोग लेते हैं। लेकिन आज डिनर भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, जनरली अच्छा था लेकिन आज मज़ेदार वाली डिनर होने वाली है। इसी की एक्साइटमेंट में मैं इतना काफ़ रही, फ़ोन भी मेरा नाच रहा है देखिए मेरे साथ क्योंकि क्या है कि आज मैंने प्लान किया था, आप लोग पूछ रहे थे कि आप जब मेकअप और ड्रेसअप करती हो तो कमाल की लगती हो, क्या ट्रिक आजमाती हो, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हो। तो उसके बारे में मुझे लगा था कि जैसे मैंने कई फेस्टिवल में अपना लुक शेयर किया है तो किसी एक मेकअप वीडियो का दे दूंगी, वो सारा विवरण उसमें डाल दूंगी कि किस तरह से क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, कैसे मैंने रेडी किया अपने आप को, तैयार कैसे हुई और कैसे मेकअप किया, क्या किया नहीं किया, सब कुछ मैं डाल दूँगी। लेकिन आज जो काम था पूरा दिन, मतलब मेरे अंदर एनर्जी बची नहीं कि मैं फिर से वो वीडियो शूट करूँ, और मेकअप वीडियो मेरे कंटेंट में नहीं है तो ये मैं एक बार दिखा रही हूँ, हमेशा नहीं दिखा सकती, मेरे चैनल के कंटेंट में नहीं है। लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट के उस पर मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से, नहीं आप लोगों के सहूलियत के हिसाब से मैं मेकअप वीडियो शूट करूँगी, और वो कल करूँगी, कल हो सकेगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इट्स अ टाइम टेकिंग फैक्टर, तो बिना टाइम के और फुल एनर्जी के वो वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। तैयार होना, एक एक प्रोडक्ट का डिस्क्राइब करके समझाना, और एक एक प्रोडक्ट का पूरा विवरण आपके साथ शेयर करना, उसका प्राइस क्या है, कौन सी कंपनी की है, क्या ब्रांड है, मैं कैसे अप्लाई करती हूँ, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके साथ थोड़ा कटिंग का भी ध्यान रखना कि जिसका गोल चेहरा है वो कैसे करें, लंबे चेहरे वाले कैसे करें, गाल पतले लोग कैसे बुझा रहता है, ग्रे कैसे करें, हम जैसे हेल्दी लड़कियाँ गाल खुली हुई रहती है हमेशा नेचुरली फेशियल में, वो कैसे करें, हमसे भी जो मोटी मोटी लड़कियाँ हैं वो लोग का तो निकला हुआ गाल है यहाँ से, वो भी कैसे करें। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में समझाने के लिए बहुत सारा टाइम और एनर्जी दोनों ही साथ साथ चाहिए होता है, जो मैं करने वाली हूँ कल शेयर। अभी मैं डिनर कर लेती हूँ सुमन जी के साथ, ऑब्वियसली। सो गाइज, ये है हमारा आज का फ्राइडे का डिनर, सलाद, ढेर सारा रोटी और एशियन चिली चिकन ग्रेवी। आज दीदी का फिंगर एक पीस ऑर्डर किया है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है सैटरडे की सुबह और शनिवार, देखिए हमारे यहाँ स्प्रिंग अराइवल हो चुकी है, बंगाल में बोलते हैं बसंत एसे गेछे। तो वसंत ऋतु में कई सारे फूल खिले हैं जिसमें सबसे प्यारा है टिकोमा, और ये गुड़हल प्यारा सा बहुत ही रेड कलर का सुंदर हाइबिस्किस है, ये पूरे समर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देती रहती है। एक और यहाँ पे है देखिए सैफरन कलर का, गेरुए रंग की
गुड़हल है डबल पेटल में, और खूब सारे फूलों के प्लांट्स के साथ मैंने कुछ सब्जियों की भी इस साल खेती की थी। तो ये एक मल्टीपल बकेट है जिसमें स्थल कमल का देख रहे हैं आप प्लांट है, और उसी के साथ में टमाटर मैंने उगाए थे। देखिए कितने अच्छी तरह से ये टमाटर मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हैं और आप लोगों को व्लॉग में भी दिखा रही हूँ, लाल लाल से टमाटर कितने अच्छे से हो रहे हैं। तो इनको मैं आज निकालने वाली हूँ, इसी की चटनी बनेगी लंच में। आज वेज थाली बनाऊँगी, छुट्टी का दिन है, आराम से बनाऊँगी। और नारियल के पेड़ के पास में ये है हमारे सहजन का पेड़ जिसमें फूल लगे हैं और डंटियाँ भी है काफ़ी सारे। तो सुमन जी बोल रहे हैं कि सहजन की डंटी ले लेते हैं निकाल कर, तो ये चढ़ जाएंगे लेने के लिए। ये देखिए मेरे हस्बैंड आराम से ऑर्गेनिक चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं शहर में बैठ के। यही हम लोग की ज़िंदगी की इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हम शहर में रहकर भी जब चाहे शहर जैसा और जब चाहे गांव जैसा माहौल बना सकते हैं। ये है सैटरडे की स्पेशल थाली सुमन जी की, स्पेशली मेड फॉर माय हबी। बहुत अच्छा हुआ है। इसके साथ है सहजन की डंटी और खसखस की सब्जी। इसको तो आलू कर दिया, आलू डाटा पोस्त तो बोलते हैं बंगाल में। सहजन की डंटी है और इसके साथ खसखस यानी पॉपी सीड पोस्तों को मिलाकर ये सब्जी बनाई जाती है सरसों के तेल में, लेकिन मस्टर्ड ऑयल रेसिपी। चिप्स है बिल्कुल घर में बनी हुई करारी क्रिस्पी ऑलराउंडर आलू की चिप्स, हमेशा फेवरेट है मेरी। अच्छा हुआ। और चटनी है टमाटर की घर में बनी हुई, जो टमाटर मैंने शेयर किया वीडियो में उसी की चटनी बनी है। घर की अच्छा बनी हुआ। हुई सब्जी से बनी हुई कोई भी व्यंजन चाहे वो टमाटर की हो या हरी मिर्च की हो या बैंगन की हो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये घर में उगाई हुई सब्जी से बनी है। कड़ी पत्ते की छौंक वाली साउथ इंडियन दाल है और बैंगन की भाजी है जिसको सुमन जी अभी इंजॉय कर रहे हैं। तो पूरा कमाल कर। सो गाइस रात में सोने से पहले ऐसी चुट्टियां मार ली है, अभी मैं सोऊंगी और फिर कल सुबह उठूंगी। तो आज मैं मेकअप लुक का अपना शेयर करने आ गई हूँ आपके साथ में, जो कि कई दिनों से आप लोग पूछ रहे थे लेकिन मुझे ही टाइम नहीं मिला यार, तो मैं कैसे शेयर करती। तो अभी आई हूँ शेयर करने, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं इसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सिर्फ क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या कॉस्मेटिक्स मैंने यूज़ किया वो नहीं, वो मैं जिस तरह से मेकअप करती हूँ, मतलब जो ब्यूटी रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, मेकअप करने से पहले क्या करती हूँ और बाद में क्या करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कम्युनिटी में। तो सबसे पहले है कि कुछ लोग मेकअप से पहले आजकल देखा गया है बहुत ही न्यू चीज़ें इन्वेंट हो रही है मेकअप की दुनिया और ग्लैमर की दुनिया में, तो उसमें एक है प्राइमर। प्राइमर यूज़ करते हैं बिफोर अप्लाइंग मेकअप ऑन फेस एंड ऑल। तो मुझे लगता है जितने कॉस्मेटिक चीज़ों से आप दूर रहें उतनी ही आपकी स्किन यंगर ग्लोइंग एंड सॉफ्ट रहेगी और काफ़ी दिन तक आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो प्राइमर मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया है एंड आई एम नॉट अबाउट टू यूज़ इट एट ऑल, तो मैं कभी यूज़ करने की सोच भी नहीं रही हूँ। तो इन दैट प्लेस मैं कुछ ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ, दैट इज़ एलोवेरा। एलोवेरा का ये प्लांट मेरे घर पे है, ये है एलोवेरा की पत्ती, आप लोगों को पता है। तो इसके साइड में से जो काटे काटे वाले पार्ट है उसको नाइफ से ऐसे दोनों साइड से निकाल लीजिए और उस पत्ती का ऊपर वाला स्किन को रिमूव कर लीजिए, क्योंकि साइड में लेटिक्स वगैरह कुछ होते हैं दैट इज़ पॉइजनस। तो इसको रिमूव करके पहले वाला पार्ट को उठाकर पानी में भिगो कर आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट तक रख देना है और उसके बाद इसको निकालिए। और इसके अंदर में ये जो जेल है, दिस लाइक मटेरियल, ये जेल है, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर गुड स्किन एंड गुड हेयर, जिसे मैं हमेशा इस चीज़ को ट्राई करती हूँ। तो वो पानी में भिगा हुआ जो जेल बनेगा उसको ऑल ओवर फेस में आप ऐसे हाथ से लेकर अप्लाई करो, ऐसे अप्लाई करो और उसको सूखने के लिए 10-15 मिनट छोड़ दो। उसके बाद फेस को वॉश करो नॉर्मल वाटर से, ठीक है। ये हो गया स्टेप वन मेरा जो ब्यूटी रूटीन है उसमें बिफोर मेकअप। उसके बाद इसको वॉश करने के बाद हल्दी टर्मरिक
जो रहती है, तो टर्मरिक पाउडर यूज़ कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो पीसी हुई हल्दी को भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ओरिजिनल, मार्केट वाला नहीं, ओरिजिनल हल्दी की पाउडर है डस्ट फॉर्म में, उसको हल्का सा ऐसे हाथ में लेकर पानी में घोल के अप्लाई कर लो मुंह पर। ये क्यों करना है, ये आपके चेहरे पे एक मास्क जैसा प्रोवाइड करेगा आपको, ये प्रोटेक्टर है आपकी स्किन का। जो भी केमिकल मेकअप के अंदर इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपको हानि पहुंचेगी, हानिकारक है त्वचा के लिए, वो इंग्रेडिएंट आपके अंदर तक पहुंचेगी नहीं अगर आपने कवर कर लिया है टर्मरिक से पहले ही मुंह को। तो ये एक मास्क की तरह है, एक प्रोटेक्टर है जिसने आपके स्किन को पहले ही कवर किया है, उसके बाद अप्लाई करो कुछ। हाँ, मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए जिनको टाइम नहीं मिलता है, मेरे लिए कभी कभार टाइम मिलता है तो चले जाते हैं, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए कहूँगी ये है मुल्तानी मिट्टी। दिस इज़ वेरी गुड मटेरियल फॉर मैनीक्योर एंड पेडीक्योर, तो इसको यूज़ करें पानी में घोल के। नॉर्मली आई के इस एरिया को छोड़कर, यहाँ तक को छोड़कर, पूरे फेस में, नेक में, हाथ में, पैर में, जहाँ भी अप्लाई करना है सूखने के लिए छोड़ दे, और उसके बाद थोड़ा रोज़ वाटर के साथ कोल्ड वाटर में रिमूव करें। ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी सी ब्राइटन और बहुत ही अच्छी सी एक टाइट वाली, खूबसूरत वाली, ग्लोइंग स्किन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हल्दी का पाउडर तो अप्लाई किया आपने, एंड मैं जिस पे ट्रस्ट करती हूँ वो है ये प्रोडक्ट, लिक्विड फाउंडेशन लैक्मे। काफ़ी सारे फाउंडेशन है, बेबी क्रीम्स है, बहुत कुछ है, इनफैक्ट बिग ब्रांड्स भी है, लेकिन लैक्मे लिक्विड फाउंडेशन इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी वन। इसमें क्या है कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल सफल रहेगी, मेरी तो रहती है, और बहुत अच्छे से बैठ जाती है स्किन के साथ। ओके, तो ये तो किसी भी फंक्शन में हुआ ठीक है जाने का, और दिन में जैसे होली में निकले थे, अच्छा तो होली में जैसे निकले थे, होली में वैसे ही कलर कर देंगे सब लोग मुंह को, मल्टी कलर मेकअप हो जाएगा, तो उसमें फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। सनस्क्रीन होली में नहीं लगाना है क्योंकि धूप में निकलिएगा, काफ़ी सारा कलर आपके उसमें आएगा स्किन में। कहते हैं कि गुलाल है लेकिन गुलाब रहता नहीं है आज के टाइम में, इतनी ज़्यादा डुप्लीकेट चारों तरफ से मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, तो क्या मिला हुआ है उसके अंदर में अबीर के नाम पर, गुलाल के नाम पर, आपको पता नहीं है। तो इसलिए आपके स्किन पे वैसे ही अगर सनस्क्रीन लगेगी, उस पर धूप लगेगी, उस पर अबीर गुलाल कलर केमिकल लगेगी, तो वैसे ही काला पड़ जाएगा चेहरा, तो उस दिन सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाना है। और सेंसिटिव स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, मेरी तरह ऑयली स्किन वाले सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करें तो अच्छा है, नो नीड टू यूज़, कोई ज़रूरत नहीं है, उससे और काला पड़ता है चेहरा, नहीं कीजिए। और फाउंडेशन कहीं किसी दिन में अगर मैं बोल रही हूँ जा रहे हैं कहीं पे फंक्शन में, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है। और इसके ऊपर में अगर लैक्मे की फेस पाउडर है तो उसको पफ कीजिए, नहीं तो मैं ये सैंडल इसको पफ करती हूँ हल्का से, बहुत कम, ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ऐसे पफ कर लेते हैं ठीक है। आईब्रो आपकी अगर पहले से बनी हुई है दैट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज आईब्रो ज़रूर बनाना है किसी भी पार्टी में, फंक्शन में, या अच्छे मेकअप लुक के लिए आईब्रो प्लकिंग इज़ मस्ट, तो इसको बना लीजिए और इस तरह के पेंसिल से उसको अच्छे से शेप कर लेना है, राइट, एक खूबसूरत सा शेप दे देना है, हो गया। तो दिन में मैं जब कहीं जाती हूँ, मेरी ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड बड़ी बड़ी आँखें हैं, तो इसके ऊपर मैं आई मेकअप कुछ नहीं करती हूँ, नो आई मेकअप एट ऑल। जो लोग आई मेकअप करना चाहते हैं वो लोग को मैं कहूँगी कि दिन में अगर जाते हैं तो मोटी मोटी आईलाइनर का यूज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा काजल लगाए, और मेरी तरह अगर मेकअप करना है तो बिल्कुल खीरा लगा कर बैठ जाओ, और खीरा जब सूख जाएगा तो उसको रिमूव करो, वैसे ही आँखें फुली फुली रहेगी, नहीं तो ये गुलाब वाटर है, रोज़ वाटर, इसको लगाइए आई बंद करके, थोड़ा सा कुछ देर आई ऐसे बंद रखिए, एक कॉटन की पैड लीजिए, इसमें इसको अप्लाई करके आई बंद करके ऐसे रख दीजिए, और ये जब खुल जाएगा मतलब 10 मिनट 5 मिनट के बाद खोलिए और पानी से रिमूव कीजिए, आई आपके फुले हुए रहेंगे, फ्रेश लगेंगे, बिल्कुल ग्लिटरी, मतलब एक अच्छा सा फ्रेश लुक आएगा आई में, तो वैसे ही। और आई मेकअप मैं तो करती नहीं हूँ बिल्कुल भी,
लेकिन कहूंगी कि जिनकी गोल गोल आंखें हैं या छोटी छोटी आंखें होती है कुछ लोगों की बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, तो उनके लिए गुड मैट्रिक बोलूंगी कि आंखें थोड़ी सी ना लंबी लंबी सी फेरी लुक वाली लगेगी। क्या करना है, इस तरह के आईब्रो पेंसिल से या कोई भी पतली वाली काजल अगर आपके पास है, आंख को ऐसे पकड़ो और इस वाले लाइन में ऐसे एक लंबा लाइन करो, बिल्कुल हल्का से, दिखना नहीं चाहिए मोटा नहीं, लंबा हल्का सा ऐसे, और इस वाले लाइन में एक हल्का लाइन, ऊपर में नहीं कहीं नहीं, यहाँ से सिर्फ स्ट्रेट एक हल्का लाइन, और एकदम पतली हल्की लाइन होनी चाहिए। इसको करके देखिए, आंखें थोड़ी सी खींची खींची सी लंबी लंबी सी लगेंगी, अच्छी खूबसूरत दिखेंगी आप। और मैंने ब्राइट कलर येलो पहना था होली के दिन, कोई भी ब्राइट कलर मैं पहनती हूँ तो लिपस्टिक मैं अक्सर ऑनलाइन से ऑर्डर करती हूँ और purple.com से भी लेती हूँ, और इस तरह की लिपस्टिक रेड वाली, तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा ऐसे, अगर आपने मेरे तरह से मेकअप किया है, मतलब पहले एलोवेरा जेल लगाया है, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी लगाई है, उसके बाद आपने हल्दी का पाउडर हल्के से पानी में घोल के लगाया है, उसके बाद लैक्मे फाउंडेशन जो मैंने दिखाया उसको लगाया है, फिर हल्का सा वैसे मैंने जैसे पाउडर बोला उस तरह से पफ किया है और ऐसा रेड वाला लगाया है, डेफिनेटली यू विल लुक गुड, अच्छा लगेगा ही, लगना ही है। लेकिन उसके ऊपर से दिन में निकलेंगे और इतना काला काला काजल लगा लेंगे, हमेशा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, बहुत लाउड फंक्शन में अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और रेड लिपस्टिक के साथ तो आँख में कुछ मेकअप करने की भी जरूरत नहीं होती, आईब्रो अच्छा से बने रहे, स्किन अच्छा बना रहे, रेड लिपस्टिक इज द बेस्ट अटायर, हर चीज़ के साथ अच्छा, इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल द अटायर्स, मैं बोलूँगी इन टर्म्स ऑफ मेकअप अटायर रेड लिपस्टिक इज द बेस्ट वन, द बेस्ट चॉइस, मैं ऐसा ही कहूँगी। और इस तरह से हो गया, और कुछ ग्लिटर विटर करने की ज़रूरत दिन में होती नहीं है, तो मैंने किया भी नहीं था होली के दिन में, और ऐसे ही मेरे लंबे बाल हैं तो इसको मैंने क्या किया था, तो ये लेंथ के बाल करने के लिए मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस हुआ, ठीक है, लड्डू की दया से हुआ। तो मैंने क्या किया था, इस तरह के बाल को ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है, और छोड़ के बीच में से मेरा ओवल शेप का फेस है, थोड़ा सा अंडे की आकृति का, तो इसलिए मैंने क्या किया, बीच में मांग करके ऐसे सामने से एक बाल और इस तरह से सामने से एक बाल, दोनों तरफ से इस तरह लेयर मैंने बना रखा है, ताकि ये ओवल शेप का मुंह जो है मेरा थोड़ा सा और अच्छा दिखे। अच्छा, मेरा इस तरह से भी थोड़ा सा फ्लैट भी है, ऐसे फ्लैट है, तो इसको अगर मैं ऐसे करती हूँ तो हमेशा नहीं अच्छा लगेगा, ज़्यादा फ्लैट लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया मैंने दोनों तरफ से। और जिन लोगों का लंबा मुँह है वो टाइट कर सकते हैं, जिन लोगों का थोड़ा गोल मुँह है वो तो ऐसे मेरी तरह इस तरह दोनों तरफ से ऐसे छोड़ सकते हैं बाल को, ओके। और मैंने क्या किया था, इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके बाल को छोड़ा हुआ था, और ये बड़ी वाली क्लचर है इसको थोड़ा सा ऐसे मैंने डाल दिया था, ओके, और थोड़ा सा साइड से बाल को ऐसे ऐसे सामने कर लिया था, दैट्स इट, यही लुक था, और येलो वाला फ्रॉक पहन लिया था। और थोड़ा सा होली या फिर जन्माष्टमी लड्डू की कोई फंक्शन, लड्डू गोपाल की या किसी की हल्दी सेरेमनी में आप जा रहे हो, तो ऐसे ओकेशन जो दिन में होते हैं ना, तो इनके लिए ना इस तरह के फ्लोरल ज्वेलरी मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए, कान में भी अच्छे लगते हैं, गले में भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने भी ऐसे कान में फ्लोरल ज्वेलरी उस दिन पहना था। दिन के फंक्शन के लिए फ्लोरल ज्वेलरी इज़ द बेस्ट वन मेरे हिसाब से, ज़्यादातर मैं मतलब शादियों में नहीं, लेकिन लड्डू गोपाल के फंक्शन में, झूलन यात्रा में, जन्माष्टमी में, होली में, या फिर किसी की दिन में कोई हल्दी हो रही है शादी की, उसी पार्टी में जाना है, तो फ्लोरल ज्वेलरी ही मैं पहनती हूँ। और येल्लो वाला वो जो सुमन जी ने मुझे दिया था वो वन पीस फ्रॉक, उसको मैंने पहन लिया था, दैट्स इट, यही था मेरा लुक। तो गाइस, होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा मेकअप लुक, और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को पूरी तरह से।
तो अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप लोग फॉलो कर सकते हो मेरे ट्रिक को। टिल देन के लिए बाय बाय। कीप द पॉजिटिविटी ऑलवेज इनसाइड यू। कीप स्माइलिंग।